हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है मेरी किचन यानी श्वेता की किचन में। तो आज मैं आपके लिए ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिससे कि आपका वेट कम होगा। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ली है दाल। तो ये दाल मैंने तीन तरह की दाल ली है। एक ली है ये मैंने मूंग की, ये मैं आपको दिखा दूँ, जो मूंग धुली हुई आती है ये वो वाली ली है, पीली वाली, और ये लाल वाली मलका, और ये मैंने हरड़ दाल ली है, इसको तुअर दाल भी बोलते हैं, और इसको मैंने 10 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये मैंने कुकर लिया है, कुकर के अंदर दाल डाल दी है, यानी इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है। और ये आधा आधा कप मैंने तीनों दाल ली है, आपको जितना सूप बनाना हो उस हिसाब से दाल ले सकते हैं। तब इसके अंदर हम सबसे पहले डालेंगे टमाटर। तो ये मैंने दो टमाटर लिए हैं और इनको रफली चॉप कर लिया है, यानी रफली काट लिया है। फिर उसके बाद लेंगे गाजर। तो गाजर मैंने दो ली है, और अब गाजरों का सीजन चल रहा है तो ये आपको आसानी से मिल जाएगी। फिर उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर लहसुन। तो मैंने 4 से 5 कलियां लहसुन की ली है, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। फिर इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे अदरक। तो ये अदरक का 1 इंच का टुकड़ा लिया है और छोटे छोटे पीस कर लिए। फिर उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपको नमक पसंद है। मैंने 1 चम्मच लिया है, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। फिर इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे पानी। तो पानी हमें इतना डालना है कि ये थोड़ा सा ये डूब जाए हमारा जो भी ये सामान है, यानी आप कप के हिसाब से 2 से 2.5 कप इसके अंदर डाल सकते हो। पानी मैंने डाल दिया। अब इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे हल्दी। तो हल्दी ये मैंने 1/2 चम्मच ली है। अब इसके बाद इसका हम ढक्कन लगा देंगे और इसके अंदर 2 सीटी हम आने देंगे। तो इसका मैं ढक्कन लगा देती हूँ और अब इसकी हम 2 सीटी आने देंगे। तो 2 सीटी आ चुकी है और कुकर हमारा अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है। तो अब इसको हम खोलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सारी दाल हमारी और जो सब्जी हमने डाली थी वो अच्छी तरीके से पक चुकी है। तो अब इसको ठंडा करेंगे और उसके बाद इसको मिक्सी जार में पीस लेंगे। तो मैंने ले ली एक कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर हमें ना घी, ना ऑयल, ना मक्खन, कुछ भी नहीं डालना है। ये दाल जो पीसी थी वो हम इसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे और गैस का फ्लेम हम ऑन कर देंगे। तब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। आपको जितनी गाढ़ी या पतली चाहिए तो आप इसमें पानी उतना डाल सकते हैं। तो मैंने ज्यादा नहीं डाला है, मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। फिर इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे काली मिर्ची का पाउडर, यानी ये पीसा हुआ है वो हम डाल देंगे। फिर उसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर नींबू का रस। तो ये 1 नींबू का रस लिया है, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे और इन सारी चीजों को मिक्स करके एक बॉईल आने देंगे इसके अंदर। तो सूप के हमारे अच्छी तरह बॉईल आ चुका है। तब इसके अंदर हम डाल देंगे हरा धनिया जो बारीक कट करके रखा हुआ था, और इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। और अब करूंगी मैं इसको गर्मा गर्म सर्व। तो हमारा हेल्दी सा टेस्टी सा सूप बनकर बिल्कुल तैयार है। ऊपर से हम डाल देंगे थोड़ी सी ऑर्गेनो दोनों के ऊपर। और आपने देखा ये इसके अंदर ना मैंने ऑयल यूज किया है, ना घी किया है, और ना ही बटर किया है। तो ये आपके वेट को बहुत जल्दी लूज कर देगा, यानी कम कर देगा। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।